आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप बिना लॉगिन आईडी पासवर्ड के अपना इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अजय पाठक। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद यदि हमारा रिफंड आना होता है तो हमें इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स रिफंड की प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। हम बार बार इनकम टैक्स की वेबसाइट लॉगिन करके चेक करते हैं या फिर बार बार अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक करते हैं कि रिफंड आया कि नहीं आया। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप सिर्फ एक सिंगल लिंक से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा रिफंड स्टेटस NSDL। एंटर करते ही सर्च रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। आपको पहले ही लिंक रिफंड स्टेटस NSDL पर क्लिक करना है। दोस्तों, आप डायरेक्टली स्क्रीन पर दिए गए लिंक को अपने ब्राउजर सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। रिफंड स्टेटस NSDL पर क्लिक करते ही नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। इस वेब पेज पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, पैन कार्ड, असेसमेंट ईयर और कैप्चा का। हम पहले अपना पैन कार्ड डिटेल एंटर करेंगे। यहाँ कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का झंझट नहीं है। आप स्मॉल लेटर में भी लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसे कैपिटल लेटर में ही ले लेगा। पैन कार्ड डिटेल भरने के बाद आपको ड्रॉपडाउन से उस असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है जिसका रिफंड स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं। अगर असेसमेंट ईयर में कन्फ्यूजन हो तो आप अपना ITR फॉर्म देख लीजिए। राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर असेसमेंट ईयर लिखा होता है। अब आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा केस सेंसिटिव है तो वैसा ही लिखिए जैसा कैप्चा कोड दिख रहा है। कैप्चा फिल करके आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको आपका रिफंड स्टेटस दिख जाएगा जिसमें आपको यह पता चल जाएगा कि आपका रिफंड आया कि नहीं आया, और अगर आया तो किस डेट को आया और किस अकाउंट नंबर में आया। दोस्तों, यहाँ अच्छी बात यह है कि आप अपना रिफंड स्टेटस कभी भी और किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए चेक कर सकते हैं। यहाँ मेरा रिफंड 16 जुलाई 2021 को आ गया है। मैं और कन्फर्म करने के लिए अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लूँगा। देखिए, 16 जुलाई 2021 को मेरा रिफंड आ गया है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। और हाँ, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।